question is, a small bulb is placed at the bottom of the tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the surface through which the light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. ठीक है, so चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं फिगर की हेल्प से. सो ये कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पे फिगर ड्रॉ होगा. ठीक है, सो ये सरफेस हो गई आपकी. ठीक है, यहाँ पे हम बल्ब रखेंगे एंड एक यहाँ पे हम बना लेते हैं. ठीक है, एंड एग्जैक्टली आपका इस पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे आपका रखा हुआ है बल्ब. ठीक है, एंड इस बल्ब से जो लाइट ट्रेवल हो रही होगी वो इस डायरेक्शन में भी जाएगी, वो इस डायरेक्शन में भी जाएगी. ठीक है, एंड इसके बाद ये लाइट रे इस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे आपका सरफेस पे बेंट हो जाएगी. ठीक है, सो ये हमारे पास सरफेस पे यहाँ पे बेंडिंग हमने दिखा दी है. ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया हमारे पास. एंड उसके अलावा यहाँ पे हम डॉटेड से शो कर देते हैं इसको. ठीक है, सो ये भी हमारे पास आई है और ये हम मान लेते हैं इस पॉइंट को ओ. एंड इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको हम सी मान लेते हैं, नीचे वाले पॉइंट को हम बल्ब को बी मान लेते हैं. ठीक है, एंड ये इस तरीके से आपकी लाइट ट्रेवल कर रही है. सो ये तो हमारे पास बेसिक डायग्राम हो गया इसका. एंड ये डेप्थ जो हमें दे रखी है, दिस डेप्थ इज हाउ मच, 80 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर. सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. सो यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ हमें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है. सो म्यू हमारे पास जो होगा वो होगा साइन 90, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री पे लेफ्ट आउट कर रही है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा साइन 90 बाय साइन आई. ठीक है, सो यहाँ से हम साइन आई कैलकुलेट कर सकते हैं. साइन 90 वन होता है, सो वन बाय म्यू, म्यू का वैल्यू 1.33 है. तो यहाँ से जब आप आई सॉल्व करेंगे तो आई आपके पास 48.75 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, बिकॉज ये एन सी आर टी का फिगर है, डाटा है यहाँ पे. सो जब आप एक्चुअली एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आपको इस टाइप के डाटा वहाँ पे मिलेंगे जो कि आप क्विकली वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे आराम से बिना किसी दिक्कत के. लाइक 48.75 इस टाइप का डाटा वहाँ नहीं आता. ठीक है, वहाँ एकदम परफेक्ट आपका आंसर आएगा, तो उस टाइप से डाटा अरेंज किया जाता है. सो आप ट्राइंगल, अब अगर हम ओ बी सी की बात करें, यानी कि ये वाला ट्रायंगल हम बात करें, अगर ओबीसी ट्रायंगल के अंदर हम देख सकते हैं दैट टेन आई को हम किस तरीके से लिख सकते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ओसी अपॉन बेस परपेंडिकुलर हमारी, यस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ये है और बेस हमारे पास हो गया ओबी, ओबी हमारा हो गया बेस. तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो जो हमारा ओसी अपॉन ओबी हो गया, ठीक है, यानी कि आर अपॉन डी वन, क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा और इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं R का, तो R का वैल्यू निकालने के लिए R हो जाएगा आपका AC by 2, ये पूरा AC divided by 2, R का वैल्यू हो गया AC by 2. ठीक है, सो आगे सॉल्व करते हैं. तो यानी कि R हमें यहाँ से निकालना है जो कि हो जाएगा tan I into D1. ठीक है, मतलब tan of 48.75 इंटू डी वन. डी वन का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो अगर एक्चुअली डी वन ये डी होगा. ठीक है, सो ये आपके पास 80 है यहाँ पे. सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो निकल के आएगा वो 0.91 मीटर आएगा. ठीक है, सो अभी एरिया निकालना है बस हमको. एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आपका 3.14 हो गया. रेडियस आपका कितना निकाला आपने, 0.91 होल स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे. ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आ रही है हमारे पास 0.91 × 0.91 × 3.14, सो 2.61 के अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आपकी आ रही है. सो यही आपका क्या हो गया आंसर. होप दिस आंसर योर क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.